हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BIS सीरीज का क्लास 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 MCQs, जो कि BIS के सभी पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है BIS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच एडिशन ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2022। 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 35th, 35वां संस्करण रहा इस बार सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में शुरू किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। ठीक है, 1966 में MSP जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MSP। नेक्स्ट, कुमुदबेन जोशी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। कुमुदबेन जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल रही हैं कुमुदबेन जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश का CM है YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। बिहार के CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट, व्हेन डिड भगवंत मान स्वर्न इन एज द न्यू पंजाब चीफ मिनिस्टर? भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च को शपथ ली थी भगवंत मान ने पंजाब चीफ मिनिस्टर के रूप में। नेक्स्ट, भगवंत मान वाज इलेक्टेड लोकसभा MP फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी? भगवंत मान किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सांसद थे? इसका आंसर हो जाएगा संगरूर। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में स्थित है IEA का मुख्यालय। कनाडा कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। स्विट्जरलैंड कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ के फती बिरोल। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम लोवेरे लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय लोवर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में स्थित है लोवर म्यूजियम, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, वेयर इज गोविंदगढ़ फोर्ट लोकेटेड? गोविंदगढ़ किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर पंजाब में स्थित है गोविंदगढ़ फोर्ट। राजस्थान का CM कौन है? राजस्थान का CM है अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। तेलंगाना का CM है कि चंद्रशेखर राव, गवर्नर यहाँ के तमिलीसाई सुंदरराजन। पंजाब के CM है भगवंत सिंह मान, और गवर्नर यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट, वेयर इज खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह। असम के सीएम है हिमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है यहाँ पे? कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी है यहाँ पे, ठीक है देख लेना आप लोग। एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, कांगड़ा एयरपोर्ट। नेक्स्ट, वेयर इज द्रोणाचार्य स्टेडियम लोकेटेड? द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है द्रोणाचार्य स्टेडियम। हरियाणा के सीएम है मनोहर खट्टर, गवर्नर यहाँ के बंधारू दत्तात्रेय। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, नहर सिंह स्टेडियम जिसे मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है ये भी हरियाणा में स्थित है। नेहरू स्टेडियम जिसे द्रोणाचार्य स्टेडियम कहा जाता है ये भी हरियाणा में स्थित है। विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू लॉन्च द अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है टू लॉन्च अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड इज अवार्डेड फॉर फिश सेक्टर? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट, वेयर इज सिपाही जला जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? सिपाही जला प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में स्थित है सिपाही जला जूलॉजिकल पार्क। त्रिपुरा का सीएम है विप्लव कुमार देव, गवर्नर यहाँ के सत्येंद्रनाथ आर्य। मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। कर्नाटक का सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, हेक्रू हिडोंगवा जो कि एक बोट रेस फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। हेक्रू हिडोंगवा मणिपुर में मनाया जाता है जो कि एक बोट रेस फेस्टिवल है। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक। मिजोरम के सीएम है पीजोरम थांगा, गवर्नर यहाँ के खंबापति हरिबाबू। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चांगू लेक लोकेटेड? चांगू झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चांगू लेक सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। नागालैंड के सीएम है नेफिरियो, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट, सोंगू लेक जिसे चंगू लेक भी कहा जाता है सिक्किम में स्थित है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटेल? इंटेल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेलसिंगर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटेल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डीड द कोन्यांग ट्रिबल ग्रुप फाउंड होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोन्यांग आदिवासी समूह पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में पाए जाते हैं कोन्यांग ट्रिबल ग्रुप। नेक्स्ट, द इंडियन फोक डांस तेरतली हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच स्टेट? भारतीय लोक नृत्य तेरतली या तेरताली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है तेरतली फोक डांस की। अगला प्रश्न देखिए,
वेयर इज़ द नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? नेल्लई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टेलिन, गवर्नर यहाँ के आर एन रवि। केरल के सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम इटली में स्थित है आईफेड का मुख्यालय, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इटली कैपिटल रोम, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 की थीम क्या रही? इसका सही आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स यूनाइट्स। इस बार की थीम रही इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की। किस तारीख को मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिरोजपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, फिरोजपुर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? पंजाब में। अगला प्रश्न, हु हैज बिकम द थर्ड वुमन टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर नेटफ्लिक्स द पावर ऑफ द डॉग? नेटफ्लिक्स की द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा जेन कैंपियन। ठीक है, किसकी डायरेक्टर है? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट, फेब्रुअरी 13 इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब एज 13 फरवरी को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड एज द सेकेंड नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद इज रैंक्ड एज द सेकेंड नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मुरादाबाद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नलबाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नलबाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नलबाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 2022 बिम्स्टेक समिट की मेजबानी करेगा। ठीक है, श्रीलंका कैपिटल है जवर्धनेपुर कोट्टे, और एक और कैपिटल यहाँ की कोलंबो, करेंसी है रूपी। बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बात। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 7 टोटल मेंबर है बिम्स्टेक के। मुख्यालय स्थित है आपका ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन लोकेटेड इन विच स्टेट? सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नीति, नेक्स्ट, हु इज नोन टू बी इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर? भारत की पहली महिला डॉक्टर के रूप में कौन जानी जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आनंदी गोपाल जोशी को भारत की पहला महिला डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, आनंदी गोपाल जोशी। नेक्स्ट, वेयर इज मेलकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? मेलकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है मेलकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें तो बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है BIS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।